अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, ये जो यूट्यूबर है, ये आप जो ज़हीरा ना, उसको डॉक्टर साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक बहुत ही लायक डॉक्टर है। मुझे तो लगता है कि ज़हीर की असल माँ यही है, क्योंकि जो ये कर रही है ना, क्योंकि हर वक्त झूठ बोलती हैं। और दुआ जहरा का उसने नया मैसेज जो है दिया है कि वो सब बेटियों को यही कह रही हैं कि आप सब ऐसा ही करें, घर से भागें, शादियां करें, यही वो बता रही हैं। बहरहाल, आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो कर रही हैं ठीक कर रही हैं। मैंने इसकी एक वीडियो भी एंड पे अपलोड कर दी है, जो इसने नई जो वीडियो लगाई है ना, उसका थोड़ा सा क्लिप है, तो वो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे बताइए, इसके बारे में बताएं कि क्या ये जो कर रही हैं ये ठीक कर रही हैं, कि माँ बाप को दुख दे रही हैं, तो इसको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़। कैसे कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, इनको कोई है ही नहीं मीडिया का, कि करना कैसे, किसका कैसे इंटरव्यू करना, कुछ पता ही नहीं है। जिसका जो दिल कर रहा है वो डाली जा रहा है यूट्यूब पे। अच्छा दुआ, आप भी हो साथ में जहीर के, मुझे बताओ प्लीज कि ये जो यूट्यूबर्स आपके पीछे पड़ गए, आपके शौहर के पीछे पड़ गए, आपके पीछे पड़ गए, क्या कहना चाहती हो इनके नाम? फिर से कोई पैगाम दे दो भाई। ये जो झूठी आंटियां और अंकल है ना, ये मेरा पीछा छोड़ दें। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, मैंने अपनी पसंद की शादी की है और मैं बहुत खुश हूँ जहीर के साथ। ये जो इतना मेरे पीछे पड़े हैं ना, मेरा कोई इनसे लेना देना, तो इतना अच्छे बन रहे हैं, जैसे मुझे पता है इनको कितनी मोहब्बत है जैसे मुझसे, तो इन्हीं मेरा पीछा छोड़ दें, मैं खुश हूँ। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं इतना, और जहीर को बुरा भला कह रहे हैं, मेरे शौहर के बारे में कोई ऐसी वैसी बात ना ही करें तो बेहतर है इनके लिए।